आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे PS4 फेक कंट्रोलर वर्सेस ओरिजिनल कंट्रोलर। मेरे पास यहाँ पे तीन ओरिजिनल कंट्रोलर हैं और एक फेक कंट्रोलर है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे और इसको पता करने के लिए वो भी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसको पता लगाना काफ़ी मुश्किल है और शॉपकीपर्स जो हैं फ्रॉड करते हैं कस्टमर्स के साथ, उनको फेक कंट्रोलर दे देते हैं और ओरिजिनल कहकर। तो मैं आपको एक बॉक्स दिखाता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल कंट्रोलर का। पैकिंग में तो कोई खास डिफरेंस होता नहीं है, इसलिए इसको पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी कुछ बारीक पॉइंट्स हैं जिसको आप दिमाग में रख के पता लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। सो ये है हमारे पास ओरिजिनल कंट्रोलर और ये है फेक कंट्रोलर। इसमें मेन चीज़ तो हमें देख से थोड़ा सा पता लग रही है कि यहाँ पर मैट फिनिश है और यहाँ पर ग्लॉस है, थोड़ा सा शाइन है। सेकेंड चीज़, इसके अंदर अगर आप साइड बाई साइड रखें तो ये जो कंट्रोलर है इसके बटन्स में काफ़ी ज़्यादा ना ढीलापन है, एकदम स्मूथ नहीं है ये, और ये बहुत ज़्यादा बचते हैं, आवाज़ भी ज़्यादा है। लेकिन ये इसके जो बटन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होते हैं और फौरन ही आपका जो है सेंस कर लेते हैं गेम में। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप ये फेक कंट्रोलर लेते हैं तो ये आपको सस्ता पड़ता है और ये वाला काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जितने का एक ही उतने में तीन आ जाते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें जो बैटरी टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। एक दफ़ा फुल चार्ज करने के बाद आप इसको आराम से 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला कंट्रोलर है ये 1 घंटे में पौने घंटे में बिल्कुल इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आज जब आप गेम खेलते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्मूथ होती है, आप हल्का सा बस यूँ क्लिक करते हैं तो आपका जो है गेम सेंस कर लेता है। लेकिन इस वाले कंट्रोलर के अंदर आपको बार बार ऐसे ज़ोर से प्रेशर दे के दबाना पड़ता है ताकि वो गेम जो है आपका सेंस करे। तो इस तरीके से आपको जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है गेम खेलने में, मज़ा नहीं आता कभी कभार बहुत। अगर आप शूटिंग गेम्स खेल रहे होते हैं तो जब आप यूँ करके क्लोज़अप ले रहे होते हैं, जूम ले रहे होते हैं, तो ये इसको ज़ोर से दबाने में इतनी देर में चांस जो है आपका मिस हो जाता है। इसलिए ये वाला कंट्रोलर एकदम यूज़लेस कंट्रोलर है और इसमें आपका सारा गेमिंग एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। और दूसरी जो फाइनल चीज़ है, इसके अंदर जो बैक पे कोड है ना, आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये सोनी के ऊपर ओरिजिनली वेरीफाई होगा तो फिर ये ओरिजिनल कंट्रोलर है। इसका तो मिट गया है क्योंकि ये पुराना हो गया, यूज़ हो गया, लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करें और ये वेबसाइट पर ना आए तो फिर आप उससे पहचान सकते हैं कि ये कॉपी कंट्रोलर है। सो गाइस, आज की वीडियो यही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।